लीजिए मैडम आपका मोबाइल, फिर से आइएगा कुछ भी चाहिए तो। हेलो, मैं वेलकम रिसोर्ट से जूही बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात जेठालाल जी से हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए मैडम। जी हमने हमारे 50 स्मार्ट टीवी के ऑर्डर के फॉलो अप के लिए फोन किया है, कल पक्का उसकी डिलीवरी हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी मैडम, पक्का हो जाएगी। और इंस्टॉलेशन भी कल ही हो जाएगा ना? उसकी कोई बात नहीं हुई थी मैडम। लेकिन सर ने बोला है कल के कल ही 50 के 50 टीवी इंस्टॉल करके चाहिए। अच्छा, इंस्टॉल तो बगा ही करता है, कल तक बगा रिपेयर नहीं हुआ तो। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो मैडम, हाँ जी हाँ, कल इंस्टॉलेशन हो जाएगा ना? मैडम मैं क्या बोलता हूँ, कल मैं 50 टीवी की डिलीवरी तो पक्का करवा देता हूँ, और वो जो इंस्टॉल जो है वो मैं एक दो दिन में करवा दूंगा, चलेगा ना? जी नहीं जेठालाल जी, एक्चुअली हमारे रिसोर्ट का ओपनिंग है, बाकी सारी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ टीवी लगने बाकी। अब अगर टीवी की डिलीवरी हो गई और इंस्टॉलेशन नहीं हुआ और गेस्ट आ गए तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं चलो एक काम करता, कुछ भी करके कल डिलीवरी और ये उसका ये सब फिटिंग वो सब मैं कल के कल करवा दूंगा। थैंक यू सो मच जेठालाल जी। ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे ये बावरी को बाघा से आज ही रिश्ता तोड़ना था। कुछ भी हो जाए ये बावरी का प्रकरण आज के आज समाप्त हो जाना चाहिए। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ नटू काका, बाघा कैसा है? बाघा तो ठीक है सेठ जी, लेकिन वो बार बार भागने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में भी भागने की कोशिश की थी उसने, अभी तो मैंने उसे शांति से सुला दिया है और घर पे ताला भी मार दिया है ताकि वो कहीं भाग न सके। अरे वाह बढ़िया, चलो। और बावरी का कुछ पता चला? नहीं, ना उसका फोन लग रहा है ना उसका फोन आया। अरे बाप रे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा नटू काका, किसी भी तरह आप बावरी को ढूंढो और बाघा को ठीक करो। कल मुझे बाघा एकदम नॉर्मल चाहिए। आप कितने अच्छे हैं सेठ जी, कितनी चिंता कर रहे हो बाघा की। बाघा की तो चिंता है ही मुझे, लेकिन मुझे वो कल के ऑर्डर की भी चिंता है। अरे हाँ, कल हमें 50 स्मार्ट टीवी वेलकम रिसोर्ट में भेजने हैं ना। आप चिंता मत करिए, मैंने 50 स्मार्ट टीवी रेडी रखे। वो तो आपने रेडी रखे, लेकिन वो रिजोर्ट से भी फोन आया था कि कल उनको 50 टीवी की डिलीवरी चाहिए और 50 के 50 टीवी सब रूम में लगा के चाहिए। लेकिन टीवी का इंस्टॉलेशन तो बाघा ही करता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ नटू काका, कल कुछ भी हो जाए बाघा नॉर्मल होना ही चाहिए। आपको पता है ना ये जो रिजोर्ट है वो दमन वाले गोपाल भाई के दोस्त का है, और गोपाल भाई की भलामण की वजह से ही हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, हमारी इज्जत का सवाल है। कल हमें कुछ भी करके 50 टीवी की डिलीवरी और उसका फिटिंग करना ही पड़ेगा। अगर कल कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो गोपाल भाई दूसरी बार हमारी भलामण करने से पहले दो बार सोचेंगे। आपकी बात सही है सेठ जी, भगवान करे किसी भी तरह आज बावरी का कॉन्टेक्ट हो जाए तो ही कल बागा नॉर्मल हो पाएगा। यस यस नट्टू काका, पता लगाओ पता लगाओ, कुछ भी करके बावरी का पता लगाओ। हाँ सेठ जी। चलो बागा का ध्यान रखना। रखता हूँ। जी सेठ जी। ये कल तक बागा ठीक नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये संकट के बादल हमेशा मेरे सर पे क्यों मंडराते? एक काम करता हूँ, मेरे संकट समय की साकड़ मेहता सबको खींचता हूँ, मतलब उनको फोन करता हूँ, ये प्रॉब्लम का हल उनसे जरूर मिल जाएगा। ऑफिस में नो पर्सनल फोन। तुम मुझे यहाँ फाइल्स देने आए थे ना? हाँ। तुमने मुझे फाइल्स दे दी? हाँ सर। तो जब तक फाइल्स कंप्लीट नहीं होगी तब तक मेरे सर पे खड़े रहोगे क्या? नहीं नहीं, लेकिन बॉस ने कहा है मेहता सर बहुत सिंसियर है, उन्हें काम करते समय ऑब्जर्व करो। अच्छा, ऑब्जर्व करने को कहा है या निगरानी रखने को कहा है? जैसे ही काम खत्म होगा मैं फाइल्स लेके पहुंच जाऊंगा।
मैं यहाँ पे काम करने आता हूँ, टाइम पास नहीं, जाओ। सॉरी सर, मैं जाता हूँ। यार ये जेठालाल को भी ऐसे टाइम पे फोन करना होता है। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, एक प्रॉब्लम हो गया है। जेठालाल एक मिनट होल्ड कर। जी कहिए। बॉस आपको बुला रहे। आ रहा हूँ। अरे अभी बुला रहे? आ रहा हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ। ओके। हाँ जेठालाल क्या हुआ? हाँ मेहता साहब, मैं ये कह रहा था एक प्रॉब्लम हो गया है। जेठालाल मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं ऑफिस में हूँ और बॉस ने मुझे याद किया। अगर मैं उनके सामने प्रकट नहीं हुआ ना तो मुझे तुमसे भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रात पाली करनी पड़ेगी, रात भर बैठ के काम करना पड़ेगा भाई। एक काम करते हैं, मैं घर पे आता हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? अरे सुनो तो सही, बहुत अर्जेंट है मेहता साहब। जेठालाल मैंने कहा ना कि मैं रात को आके बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय 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 बाय। चलो मैं भी घर चलता हूँ। मगन। जी सेठ जी। तो एक काम कर, गोडाउन बंद कर दे, फिर दुकान बढ़ा के निकलते। जी सेठ जी। सेठ जी चाबी। सेठ जी कल बागा भाई और नटू का कहने वाले कि मुझे ही दुकान खोलनी है। एक काम कर, तू कल सुबह जल्दी आके दुकान खोल देना। जी सेठ जी। और नटू काका ने 50 टीवी रेडी रखे तो उसकी डिलीवरी की सब तैयारी करके रख। जी सेठ जी। ठीक है। भगवान करे कल ये बावरी का टेंशन दूर हो जाए और बागा ठीक हो जाए। हे भगवान, मेरा बागा बहुत भूला है, उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उस पे जो संकट आया है उसे दूर करना, और बावरी को भी कोई गलत फहमी हुई हो तो उसे भी दूर करना, और दोनों को एक बार फिर से मिला देना। क्या हुआ नटू काका? मैंने अभी एक बहुत बुरा सपना देखा, उसमें बावरी जी किसी और के साथ पाव भाजी खा रहे थे। रिलैक्स बागा, इट वाज जस्ट अ ड्रीम। नहीं नटू काका, मैं ऐसा सपने में भी नहीं देख सकता। इट्स ओके बागा, जब मन चिंतित हो और पेट खाली हो तो ऐसे सपने आते हैं। एक काम कर, मेरे साथ चल। कहाँ? बावरी जी के पास? नहीं, पद्मावती भोजनालय खाना खाने। आज घर पे खाना बनाने का मूड नहीं है। मेरा तो कुछ भी खाने का मूड नहीं है। नटू काका, ये ताला क्यों मारा है? वो क्या है, आज तेरा दिल दिमाग ठिकाने पर नहीं है ना, तो मुझे डर लगा कहीं तू भाग गया तो, इसलिए मैंने तेरे भले के लिए ताला लगा दिया। चल अभी मैं ताला खोल देता हूँ और चाचा भतीजा पद्मावती भोजनालय में खाना खाने जाते हैं। नहीं नटू काका, पद्मावती भोजनालय की सीताफल बासुंदी बावरी जी को बहुत पसंद है। अगर मैं वहां गया तो मुझे बावरी जी बहुत याद आएगी। आप खा के आइए। नो वे, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तेरे बगैर खाना खाया है? आज तक कभी ऐसा भी तो नहीं हुआ कि बावरी जी ने मुझसे बात न की हो। अच्छा, अगर बावरी से तेरी बात हो जाए फिर खाना खाएगा? दादा। हाँ। खैर मैं अभी उसे फोन लगाता हूँ। फिर स्विच ऑफ आ रहा है। चल तुझे वहां खाना नहीं खाना है नया तो मैं यहाँ टिफिन मंगा लेता हूँ और सीताफल बासुंदी मना कर दूंगा बस। नहीं नटू काका, मेरी भूख मर गई है, मीठा तीखा नमकीन सब मुझे फीका लगता है, मेरी जिंदगी से सारे स्वाद उड़ गए हो ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं बोलते बागा बेटा, रुक मैं फोन करता हूँ। हेलो, पद्मावती भोजनालय, मैं बातरन नगर से नटोरलाल उंदेवाला बोल रहा हूँ। नहीं नहीं खाना खाने नहीं आ रहे हैं, आप दो लोगों का टिफिन हमारे घर पे भेज दो। नहीं नहीं बासुंदी तो बिल्कुल नहीं चाहिए,
चलो रखता हूँ, बोल दिया टिफिन का। अरे नट्टू काका, मैंने आपसे कहा ना मुझे नहीं खाना है। देखो बेटा, दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम अपना जीवन जीना बंद नहीं करते। खाना तो खाना ही पड़ता है, और कल तो हमें 50 स्मार्ट टीवी की डिलीवरी भी करनी है, और इंस्टॉलेशन तुझे ही करना है। नहीं नट्टू काका, मुझे नहीं लगता इस हालत में मैं काम कर पाऊंगा। क्या? हे भगवान, ये बात सेठ जी को पता चलेगी तो उनका क्या होगा? कैसी मुसीबत है। अच्छा जगह सुन, मैं तो मैं उड़ा क्या रहा है? तो अचानक से एकदम आप दिखे ना, तो अचानक क्या, तू चक्कर काट रहा था तभी आया। मैंने तुझे आवाज भी दी, ध्यान कहाँ है तेरा? क्या चिंता है, दुकान से आया तब से देख रहा हूँ तू टेंशन में। पप्पू जी, आपको तो पता है मेरी कुंडली कैसी है, K3 जी, कभी खुशी कभी गम। क्या हुआ? अरे आज सुबह वो बाघा ने बोला कि बावरी कानपुर से वापस आ गई है, तो उसे आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी। तो मैंने बोला जा भाई पूरे दिन की छुट्टी ले, तो इतनी नान से बावरी के साथ समय बिता। अरे वाह, ये तूने अच्छा किया। हाँ लेकिन बावरी ने बाघा के साथ अच्छा नहीं किया बापू जी। क्या किया उसने? वो बाघा को मिले ही नहीं, ऊपर से बाघा को मैसेज कर दिया, आज से मेरे और तुम्हारे संबंध खत्म। ऐसा क्यों किया उसने? कोई तो पता नहीं है बापूजी, और तब से बावरी का कोई अता पता ही नहीं है। बाघा ने नट्टू काका ने कितने फोन किए, लेकिन ना उसका फोन लग रहा है ना ही वो घर पे, और इस वजह से बाघा एकदम गंगा वांगा हो गया है। अच्छा, ये टेंशन है? अरे ये नहीं बापूजी, एक और टेंशन है। क्या? कल वो 50 टीवी की डिलीवरी करनी है फिटिंग के साथ। अभी डिलीवरी तो मगन या नट्टू काका कर लेंगे, लेकिन फिटिंग सिर्फ बाघा कर सकता है। अभी बावरी जल्द से जल्द मिली नहीं तो टेंशन ये कि कल ये 50 टीवी का फिटिंग करेगा कौन। नहीं तू चिंता मत कर, बावरी जल्दी मिल जाएगी और तेरा ऑर्डर भी अच्छे से कल पूरा हो जाएगा। हा? अरे चंपक, चंपक तैयार? अरे आओ रमणिका। आइए रमणिका काका। अरे बेटा खुश, और कैसे हो, सब ठीक? कुछ ठीक नहीं है काका। क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे वो मेरी दुकान में वो बाघा है ना। छे, आने क्या मुझे कहवा बैठो तू, हमने मूड उठाए, चल हमने। अरे बापू जी एक मिनट, तैयार हो क्या, कहाँ जा रहे हो तो बताइए। अरे हाँ, तो वही बताने आया था मैं, हम दोनों भगवान के घर जा रहे। मंदिर ईश्वर? अरे भगवान भगवान, वो मेरा दोस्त है ना भगवान भजनी, उसके घर आज भजन है, तो हम दोनों मेरे यंग ओल्ड ग्रुप के साथ वही जा रहे, तो आने में थोड़ी देर हो जाए तो चिंता मत। हाँ उस बात की भी चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। पर चंपक हुआ क्या है? अरे वो मैं तुझे रास्ते में बताऊंगा, चलना भाई। हाँ चल, जय जिनेंद्र, चल चल चल, मैं बताता हूँ सब। अरे ये मेहता साहब नहीं आए, कहाँ रह गए? जेठालाल, अरे आइए आइए मेहता साहब, अभी आपके बारे में सोच रहा था। हाँ बताओ बताओ जेठा, क्या टेंशन? बाघा, बाघा ने क्या किया? बाघा ने कुछ नहीं किया, बाघा की बावरी। बावरी ने क्या किया? अरे वो क्या हुआ, वो भाई तुम्हारा टेंशन तो वाकई में बहुत ही अनोखा है, और तुम्हारी परिस्थिति भी बहुत ही अनोखी है। और नहीं तो क्या, नहीं लेना नहीं देना, फंस गई मैना। मैना कौन? मैं, लफड़ा बाघा और बावरी के बीच में हुआ और मैं बिना वजह फंस गया इसमें। जेठालाल, बाघा और तुम्हारे ऑर्डर दोनों का हल बावरी है। अगर बावरी मिल गई तो तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन निकल आएगा। बावरी को ढूंढो। कहाँ से ढूंढे मेहता साहब, वो तो अमावस का चांद की तरह कहीं छुप गई है, और ग्रहण मुझे और बाघा को लग गया है। जेठालाल तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्रॉब्लम का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। फिलहाल सोडा शॉप चलते हैं, वहाँ पे सब दोस्तों से बात करते हैं और सब मिलके तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। चलो देखो आ गए दोनों। मैंने बोला था ना साथ में आते होंगे। क्यों साथ में नहीं आ सकते, कुछ प्रॉब्लम है? ये कोई प्रॉब्लम नहीं जेठालाल, क्या यदि पूछा कि मेहता साहब नहीं आए जेठाल नहीं आया, तो मैंने बोला आते होंगे साथ में दोनों। बैठो बैठो। क्या बात है जेठा भाई,
परेशान लग रहे हो? अरे मत पूछिए आतिफ भाई, परेशानी मेरा पता जान के कहीं से भी मेरे गले पड़ी जाती है। जय दलाल, नाउ इट हाई टाइम तुम अपना नाम जय दलाल से चेंज करके एंजल लाल रख लो। सॉरी सॉरी, मैं सोचा कि ऐसा जोक मार के सिचुएशन को थोड़ा लाइट कर देता हूँ। पर आपके जोक इतने खतरनाक होते हैं ना कि सिचुएशन लाइट की जगह भारी हो जाती है। वैसे जेठालाल, प्रॉब्लम क्या हुआ बता? कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हमेशा ना अपना प्रॉब्लम ज्ञानी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ले बोलो, ये रह गया था जोक मारे बिना। भाई जोक नहीं मार रहा हूँ भाई, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, एक शिक्षक, एक लेखक, हम सब ज्ञानी नहीं है? बेटे भाई मैं, हाँ अब्दुल भी बिजनेसमैन। अरे नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि सोडा बनाओ कि नहीं बनाओ। अरे अब्दुल, ये भी को पूछने की बात है दोस्त, यहाँ सब जो आते हैं सोडा पीने ही आते हैं ना दोस्त। जेठालाल शांत हो जाओ, आराम से बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। सही बात है जेठा भाई, शांत हो जाइए आप। वाह जी वाह, वाह यारों की महफिल सजी हुई है, है? ओ यारो, ओ तुम लोग तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे कि कोई दूसरे ग्रह से एलियन ट्रक लेकर हमारे ग्रह पर आकर हम पर अटैक करने वाला है। कमाल है मेहता साहब, इसके उदाहरण में एलियन भी ट्रक लेके ही आता है। लेकिन यारो हुआ क्या है, तुम सब इतने शांत क्यों हो? छोटी तुझे तो पता ही है ना, तू तो आया था ना आज दुकान पे, तो बाघा और बाबर के बीच में क्या हुआ पता है ना तुझे तो? ओ हाँ, कुछ पता चला बावरी का? ओ बाघा और बावरी की प्यार की गड्डी ठीक हुई? प्यार का गड्डे क्या हुआ बाघा बावरी को? हाँ क्या हुआ, क्या जेठा? क्या हुआ, वो बावरी बहुत टाइम के बाद आज कानपुर से वापस आए। ओहो, तो बाघा तो खुशी के मारे बावरा हो गया होगा। बावरा हो गया लेकिन खुशी के मारे नहीं, दुख के मारे। क्या मतलब? मतलब वो बावरी आई तो मैंने बाघा को बोला कि जा आज तो छुट्टी ले ले, बावरी के साथ जाके घूम। तो बावरी तो बाघा को मिली ही नहीं, उल्टा बाघा को मैसेज कर दिया कि आज से हमारे बीच जो भी रिश्ता है वो खत्म। अभी भी बावरी जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लगता है उन्होंने जानबूझ के फोन स्विच ऑफ कर दिया है। खैर मैं देखता हूं। अड्डू काका। हाँ बागा बेटा, चल टिफिन आ गया है, खाना खा ले। मैंने आपसे कहा ना नट्टू काका, मुझे नहीं खाना है। जब दिल टूटा हो तो भी खाना खाए, उसे भुखड़ी बारस बेवफा कहते हैं। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। अरे बेटा तू खाना नहीं खाएगा तो तेरे में ताकत कहाँ से आएगी? दुनिया में चाहे कोई भी दुख आए, खाना बंद नहीं करना चाहिए, ऐसे बड़े बुजुर्ग कह के गए। बाकी जैसी तेरी सोच। प्लीज नट्टू काका, इस बेचारे दिल को और परेशान मत कीजिए। तू खाना नहीं खाएगा तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। नहीं ऐसा मत कीजिए प्लीज, आप खाना खा लीजिए, क्योंकि खाना खाने के बाद आपको दवाइयाँ भी तो लेनी है। इसीलिए कहता हूँ कि तू खाना खा ले तो ही मैं खाना खाऊंगा। तू टिफिन खोल, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे लेकिन नट्टू काका सुनिए, यही मौका है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना नट्टू काका फिर से ताला लगा देंगे और जबरदस्ती खाना खिलाएंगे। जब तक बावरी जी से बात नहीं होती मैं खाना नहीं खाऊंगा। सॉरी नट्टू काका, मुझे जाना पड़ेगा मेरे प्यार की खातिर। अरे पकड़ो पकड़ो, बागा को पकड़ो। जिस बात का डर था ना वही हुआ, बागा घर से भाग गया।
नट्टू काका ने बागा को रोकने की बहुत कोशिश की, घर पर ताला भी लगाया, लेकिन आखिरकार बागा घर से भागने में कामयाब हो गया। भाई प्यार अवस्था ही ऐसी है जिसमें दिमाग से ज्यादा दिल काम करता है, और जब दिल टूटता है ना तो आशिक कुछ भी कर सकता है। फिलहाल टेंशन ये है कि बागा कहाँ गया होगा, नट्टू काका उसे कहाँ ढूंढेंगे, और जब इस बात की खबर जेठालाल को पहुंचेगी तो उसके साथ क्या होगा, क्योंकि जेठालाल तो इस आस में बैठा है कि कल तक बागा आ जाएगा और 50 टीवी का ऑर्डर पूरा हो जाएगा। जब जेठालाल को पता चलेगा कि बागा घर से भाग गया है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपके घर पे छूटेंगे हंसी और ठाके। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। अरे देवा, बागा ने ऐसी क्या गलती कर दी जो बावरी ने ऐसा मैसेज भेज दिया? अरे वही तो सबसे बड़ी पहेली है ज्ञानी। लेकिन प्रॉब्लम है कुछ भी हो, बावरी को एक बार बागा से बात कर लेना चाहिए था। ऐसा एक मैसेज करके रिश्ता तोड़ देना गलत बात है। सही बात है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि गलत बात है, बावरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और नहीं तो क्या? अरे प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होती, इस तरह बात नहीं करने से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती हैं और बेवजह रिश्ते टूट जाते हैं। अरे सही बात है, बहुत सारी बीमारियों का कारण ये बिना बात का झगड़ा ही है। अगर बात कर लो तो कई सारी बीमारियों को टाल सकते हैं। ले भाई, सोडा रेडी है, दे दो। हाँ हाँ दे दो। हाथी भाई तो ये बागा इतना लागणीशील है। लागणीशील मतलब हलवा। हलवा हलवा सेंसिटिव। हाँ तुम क्या कह रहे थे जेठालाल? मैं ये कह रहा था कि एक तो ये बागा इतना लागणीशील है कि हर छोटी छोटी बात को दिल पे ले लेता है। अब ये बावरी से उसकी जल्द से जल्द बात नहीं हुई ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। चल बागा खाना खा लेते हैं। बागा 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 ये बागा का फोन लग क्यों नहीं रहा है? बागा बागा बागा। अरे नटुआ है, नटुआ कैसे हो? आपकी दुकान से ले आओ, फ्रिज बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू, लेकिन मैं अभी जरा जल्दी में हूँ। इतनी रात गए आप कहाँ जा रहे हो? अरे मेरा भतीजा बागा कहीं चला गया है। हाँ? तुमने उसे यहाँ से जाते हुए देखा? हाँ, अभी यहाँ से रिक्शा में बैठ के गया। हे भगवान, अभी कहाँ ढूंढू उसे, कहाँ चला गया होगा? क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। गुड नाइट। हे भगवान, ये बागा और बावरी के चक्कर में मेरी तो पिदूड़ी निकलने वाली है। एक तो फोन नहीं उठा रहा है। हाँ बागा पक्का बावरी के घर गया होगा। मैं बावरी के घर जाता हूँ और कान पकड़ के वापस लेके आता हूँ। रिक्शा। अरे बाप रे, क्या कह रही है आप? बावरी जी ने ऐसा मैसेज किया? रोशन ने मुझे बताया। I feel very sad for बागा भैया। बागा भाई तो कितने नाजुक दिल के, वो तो एकदम कावरे बावरे हो गए होंगे। वो कार। But now the question is, बावरी ने ऐसा किया क्यों? कोई ये प्रेम प्रकरण है ना, इसमें कब क्या हो कुछ बोल नहीं सकते। टंडन साची बात है। पता है जब मैं कॉलेज में थी तब क्या हुआ था? क्या? हाँ, आपको मेहता सबसे प्यार हो गया था। नहीं मैं अपनी नहीं, अपने दोस्त की बात कर रही हूँ। कॉलेज में मेरा एक दोस्त था राजीव, उसे एक लड़की से प्यार हुआ था। ओके, फिर क्या, वो रोज उसे सैंडविच खिलाने ले जाता और लड़की को भी सैंडविच बहुत अच्छा लगता। फिर एक दिन राजीव ने उस लड़की को प्रपोज किया। ओ, तो लड़की ने उसको हाँ कह दिया? हाँ तो कहा, पर राजीव को नहीं, उस सैंडविच वाले को। हाँ, क्योंकि उस लड़की को सैंडविच वाले से प्यार हो गया और उसने उससे शादी भी कर ली। ओयो, तो फिर राजीव ने क्या किया? हाँ, क्या करता वो, उसने एक सैंडविच स्टॉल खोल लिया इसी उम्मीद में कि एक दिन कोई सैंडविच लवर आएगी और उससे प्यार कर बैठेगी और शादी कर लेगी। ओह गॉड,
काय गो भाई, ये बावरी ने ना जरक पन अच्छा नहीं किया। ऐसे मैसेज में कोई ब्रेकअप करता है क्या? तो भगवान करे बागा भाई और बावरी जी के बीच जो भी प्रॉब्लम हो ना वो जल्दी से सॉल्व हो जाए और दोनों एक हो जाए। नहीं कहा चाचा, दो मिनट रुकना, मैं अभी आया। अरे बाप रे, यहाँ तो ताला है, यानी बावरी भी बागा की तरह गायब है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब कहाँ ढूंढूं बागा को? Oh God, you put me in middle of nowhere. क्या करूं? एक काम करता हूँ, सेठ जी को फोन करता हूँ। ओ नो, सेठ जी का फोन नहीं लग रहा है। गोकुलधाम जाके सेठ जी से पर्सनली मिल के बात करता हूँ। चलो गोकुलधाम सोसाइटी ले लो। जेठालाल, मैं तो कहता हूँ तुम बागा को 5 दिन की छुट्टी दे दो। सही बात है, एक बार ये बावरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो बागा अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, 5-6 दिन क्या, मैं उसे 1 दिन की छुट्टी भी नहीं दे सकता। क्यों? ओ, कल मुझे 50 स्मार्ट टीवी के ऑर्डर की डिलीवरी करनी है। अरे तो जेठालाल मगन है, नटू काका है, वो कर सकते ना डिलीवरी। अरे डिलीवरी तो मैं भी कर सकता हूँ, डिलीवरी का प्रॉब्लम नहीं है। वो पार्टी को कल के कल 50 के 50 टीवी लगा के चाहिए। अभी कल भी बागा की ऐसी हालत हुई तो ये ऑर्डर मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा? पार्टी तो ऑर्डर कैंसिल करके किसी और को दे देगी ना। अब समझा कि तुमको बागा का काम अपने बिजनेस का टेंशन ज्यादा है। मैं कम ज्यादा का सवाल नहीं है यार भाई, मुझे बागा की भी उतनी चिंता है, लेकिन वो मुझे पार्टी को जवाब देना होता है ना। मार्केट में तो 10 जगह घूमने के बाद पार्टी इतना बड़ा ऑर्डर देती है, तभी मेरी भी जवाबदारी बनती है ना कि मैं ऑर्डर पूरा करूं। अरे कूल डाउन जेठालाल, तुम्हें तो गुस्सा हो गया। गुस्सा नहीं हो रहा हूँ अय्यर भाई, आपको समझा रहा हूँ लेकिन आप समझ ही नहीं रहे। अभी मान लो आपका रॉकेट फूटने को तैयार है, उसी वक्त ना करे नारायण, बबीता जी बीमार हो गए, तो आप क्या रॉकेट का उड़ना कैंसिल कर देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर वो कहते हैं ना, सो गो नो मस्ट, सो मस्ट गो ऑन। लेकिन इस काम में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँ। सॉरी जेठालाल, मैं भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं भी पर जेठालाल, तुम टेंशन मत लो और सकारात्मक सोचो और घर जाके आराम करो, कल तक कोई ना कोई हल मिल जाए। ओ यारो, ओ मेनू लगता है कि हम सबको बागा को समझाना चाहिए कि इतनी सी बात के लिए इतना उदास होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, 1-2 दिन में बावरी से मुलाकात हो जाएगी, कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ तो अब भी कभी समझा दे बागा को। छोटा भाई, आप फोन लगाइए। नहीं, फोन लगाने की जरूरत नहीं है, पर्सनली जाके समझाते हैं ना। अरे वाह, थैंक यू दोस्त भिड़े, थैंक यू भाई। अरे थैंक यू क्या है, गोकुलधाम वासी एक परिवार है जेठालाल। अरे सेठ जी, नटू काका आप यहाँ? SOS। सॉस? आप सॉस लेने हैं? I need your help। अरे हिंदी में बोलो भाई। मतलब मुझे आपकी मदद चाहिए। तो क्या हुआ? बागा कहीं चला गया है। कहीं चला गया मतलब? मतलब घर से भाग गया और अभी फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे नटू काका, बागा को नहीं संभाल पाया, कहाँ गया वो? अरे सेठ जी, वो पता होता तो वही जाकर उसे ले आता ना। मैंने बोला उसकी हालत पता है ना आपको, बोला था ना मैंने आपको कि उस पर कड़ी नजर रखना। सेठ जी, कंटिन्यूसली मैं उसके पर नजर रख रहा था, लेकिन 2 मिनट के लिए मैं हाथ धोने के लिए बाथरूम गया तो वो कहीं भाग गया। लेकिन आपने तो कहा था ना, आपने घर के दरवाजे को अंदर से ताला मारा था, फिर बागा कैसे भाग गया? सेठ जी, मैंने खाने के लिए टिफिन मंगवाया था,
टिफिन लेने के लिए मैंने ताला खोला था। बहुत भूख लगी थी, जल्दी जल्दी में ताला बंद करना भूल गया। तरफ पर अचानक हाथ धोने की क्या जरूरत आनी पड़ी? खाना खाने से पहले हाथ धोना तो जरूरी है, इसीलिए बाथरूम में हाथ धोने गया था। अरे अब ये सब बातें छोड़ो, घोड़ा तो निकल गया, तो अब तबेले पे ताला मार के क्या फायदा? की बोल रहे हो मेहता साहब? वो इनके घर से घोड़ा नहीं, बागा भागा है। अरे सोठी, उदाहरण दे रहा हूँ, अभी हमें बागा को ढूंढना होगा। हाँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। लेकिन ये बात बताने के लिए आप यहाँ क्यों आए? फोन कर देते। अरे किया था, लेकिन सेठ जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अरे मेरा फोन स्विच ऑफ ही है। जेठालाल, तुम रोज घर आकर फोन स्विच ऑफ कर देता है? अरे नहीं भाई, मैं दुकान से आया तभी वो कम बैटरी की वजह से फोन स्विच ऑफ हो गया था, फिर घर पर मैंने चार्जिंग पे रखा, फिर वापस स्विच ऑन करना भूल गया। तो अभी कर लो। हाँ वही कर रहा हूँ। घुड़ की फायदा? अरे अभी ये बातें छोड़िए, हम लोग ये सोचते कि बागा गया कहाँ होगा। नटू काका, आपके अलावा कोई उसके पहचान का है यहाँ पे? और ऐसा तो कोई नहीं है। कहीं वो बावरी के घर तो नहीं चला गया? नहीं, मैं आते वक्त बावरी के घर पे जाके आया, वहाँ ताला था। ए भगवान, तो कहाँ गया अभी ये बागा? हाँ सेठ जी, ये तो आप ही बता सकते हैं। वो जेठाबरा, वो बागा तो अनु बता के गया। कितने गया? नहीं भाई। तो फिर नट्टू काका जेठाबरा कैसे बताएंगे कि बागा कितने गया? आई मीन सेठी का मोबाइल बता सकता है कि बागा कहाँ है। ऐसे सेठ जी ने बागा के फोन का लोकेशन अपने फोन में कनेक्ट करके रखा है, ताकि वो डिलीवरी करने जाए तो पता चले कि डिलीवरी ठीक से हुई या नहीं। तो सेठ जी, हम आपके फोन से बागा का फोन ट्रैक कर सकते हैं, जल्दी कीजिए। हाँ जेठा भाई, जल्दी कीजिए। मैं इसीलिए फटाफट यहाँ आया। जनरल, चेक करो, चेक करो। अरे बागा तो यहाँ पास में ही है। तो चलो यारो, फटाफट जाते। हाँ जाओ, मैं सकरम लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भिड़े भाई, भाग के क्यों आ रहे? अरे वो मैं सकरों को लेके जा रहा हूँ बागों को लेने के लिए। क्यों, वो कहाँ है? पता नहीं। मतलब ये है कि नटू काका अभी सोडा शॉप पे आए, उनका ये कहना है कि बागा घर से भाग गया है। हाँ लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, बागा का लोकेशन पता चल गया है। उसका फोन वो जेठा के फोन के साथ कनेक्टेड है ना, इसलिए। That's good. भगवान करे बागा भाई ठीक हो। वो तो उसको मिलने के बाद ही पता चलेगा। आप सब लोग घर पे जाइए, हमें आने में देर हो जाएगी। हाँ मारे रे, अब ये क्या मुसीबत आ गई है? I'm really worried. जिसका दिल टूट जाता है वो कुछ भी कर सकता है। एग्जैक्टली कहते जख्मी शेर और प्यार में हरा हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है। हे भगवान, बागा भाई की रक्षा करना। चलो चल भाई, कहाँ रह गया तो कितना टाइम? अरे वो अंदर महिला मंडल बैठा है ना, तुम्हें सकरा लेने गया तो माधवी ने पूछा कि इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो, तो फिर सबको बताना पड़ा। चलो एक मिनट। चलो जोड़ी, क्या हुआ? चल जोड़ी, गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही। तू तो मैकेनिक है, तेरी गड्डी कैसे बंद हो सकती है? ओ आदि ब्रा, वो गड्डियां क्या है ना, इंसानों की तरह होती है, वो कब कौन सी बीमारी लग जाए पता नहीं चलता, वो ठंडी में खड़े। चल छोटे, हमें समझाना छोड़े, क्या करना है बोल, धक्का मारना है क्या? हाँ धक्का। हाँ यार भाई, चलो धक्का मारो, चलो। ए, अकेला? अरे भाई सब मार रहे, अकेला क्या भाई। जाने दे, सीधा जाने दे। ए, रुक रुक।
रुक साइड में ले, साइड में ले, साइड में ले। अरे ये इसका ये लोकेशन इधर ही दिखा रहा है। बागा का लोकेशन यही दिखा रहा है तो बागा यही कहीं होना चाहिए। हैं? अरे वाह, बहुत ही बुद्धिशाली बात की आपने तो। बुद्धिशाली मतलब इंटेलिजेंट ना? हाँ। इसमें इंटेलिजेंट जैसा क्या है? वही तो, जब भी इसमें लोकेशन बागा का इधर का ही दिखा रहा है तो वो इधर ही कहीं होगा ना। हाँ। यहाँ तो सिर्फ ये एक बार है, बेवफा बार। ओ माय गॉड, बागा कहीं ये बेवफा बार में तो नहीं? हो भी सकता है नटू काका। ओ यारो, ओ जिनके दिल प्यार में टूटते हैं ना, वो लोग अपना गम गलत करने के लिए यहीं पे आते हैं। ओ मैं भी कई बार आया हूँ। ओ मतलब कि अपने यारों का गम कम करने के लिए। प्यार आग का दरिया है और तैर के जाना ये सबका ख्वाब होता है। जो तैर नहीं पाया और डूब गया उसका सहारा शराब होता है। बेवफा बार, ये बार का नाम ही ऐसा है कि जिसका भी हार्ट ब्रेक होता होगा ना वही यहाँ पर आता होगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार भाई, मान लो किसी बार का नाम रॉकेट बार है तो उसमें क्या खाली साइनिस्ट लोग ही जाएंगे? ये सब बातें छोड़ो और बागा के बारे में सोचो। हाँ यारो, अगर बागा यहाँ है तो बहुत अच्छा है। मतलब कि बहुत अच्छा है ना कि बागा इतने मिल गया, ये तो रात भर कहाँ ढूंढते उसे। अरे छोटी, ये खुशी की बात नहीं, ये तो टेंशन वाली बात है। अभी देखना बहुत बड़ा तूफान आएगा। तूफान आएगा? लेकिन आज तो वेदर फोरकास्ट में ऐसा कुछ नहीं था। है? क्या जेठा भाई, अय्यर ये कहना चाहता है कि मौसम विभाग ने आज ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि तूफान आने वाला है। अरे मैं वो तूफान की बात नहीं कर रहा हूँ यार भाई, बागा अंदर गया है ना तो वो तूफान करके जो तूफान लाएगा ना उसकी बात कर रहा हूँ। ओ जेठा प्रा, तुसी की कह रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार भूल गया, हम लोग दमन में थे तभी बागा ने वो पार्टी साटी की हमारी पूरी बोतल खाली कर दी थी, फिर कैसा तूफान किया था। ये तो सीधा हो गया पीने के बाद। हाँ, सब लोग पीने के बाद टेढ़े हो जाते हैं। बागा सीधा हो गया था तो? कोई बागा ने तो पूरा रिसोर्ट सर पे उठा लिया था, तो जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ी थी। सही बात है, आई होप कि बागा ने कोई पार्टी शार्टी नहीं की हो, वरना उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। जेठाला, तुम्हारी वजह से क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। अबे मैंने क्या किया है इसमें भाई? तुम ही बोलते हो कि तुम्हारी कुंडली खराब है, उसकी वजह से ये सब होता है। तुम्हारी वजह से हुआ ना ये? हाँ। मेरी कुंडली में ऐसे ग्रह होंगे तब ऐसा ही होगा ना, बराबर ना यार भाई? अरे ये सब बातें छोड़ो और अंदर चलो। इतनी देर में अगर बागा ने पार्टी शार्टी नहीं की होगी ना तो भी कर लेगा। ओ करेक्ट कह रहे हो मेहता साहब, आओ जी आओ यारो। अरे सोनी भाई कैसे हो? कितने लोग हैं? ओ सोनी, तुम्हारी बड़ी जान पहचान है। अबे पीड़ू, कभी घमंड नहीं किया लेकिन बार में और गराज में अपनी बहुत चलती है। आइए आप लोग, मैं आपको अच्छा टेबल देता हूँ, आइए आइए। ओ ना जी ना, हमें जगह नहीं चाहिए, हम बैठने नहीं है। तो क्या खड़े खड़े पार्टी शार्टी करनी है? अरे हमें कोई पार्टी शार्टी नहीं करनी है, हम तो मेरे भतीजे को लेने आए हैं। दरअसल उसको पीने का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी यहाँ आ गया। ठीक है, आप अंदर देख लीजिए। आओ जाओ, चलो चलो। भाई किस्मत भी कमाल के खेल खेलती है, पहले बागा नहीं मिल रहा था इस बात का टेंशन, और अब जब बागा का पता लग गया है तो उसने पार्टी शार्टी ना कर लियो इस बात का टेंशन। बेवफा बार में अगर बागा ने पार्टी शार्टी कर ली होगी तो पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि दमन में गलती से एक बार बागा ने पार्टी शार्टी की पूरी बोतल भी ली। भाई ये याद करके ही मुझे डर लगता है, क्योंकि टूटे हुए दिल के साथ बागा कुछ भी कर सकता है। खैर हमें इस बात का यकीन नहीं है कि बागा ने पार्टी शार्टी की है या नहीं, तो दोस्तों क्या लगता है आपको, गोकुल धामवासी इस समस्या से निपट पाएंगे? बागा ने बेवफा बार में पार्टी शार्टी के घूंट पिए हो या ना पिए, लेकिन आप लोग हंसी के घूंट जरूर पिएंगे, क्योंकि अगला एपिसोड और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आपकी हंसी नहीं रुकने वाली।
तो आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। ए बप्पा बार, कमाल कॉन्सेप्ट है ये बार का, एकदम अलग। पसंद आया आपको तो लाभ लेना कभी इधर, क्या लेना कभी मुलाकात लेना ये बार की। क्यों मुलाकात लेगा बार का, मान लो कभी किसी ने आपका दिल तोड़ दिया तो यहाँ आना पड़ेगा ना। इल्ले इल्ले जनरल, मेरा दिल इतना कमजोर नहीं है कि आसानी से टूट जाए। अच्छा बोलता हूँ बबीता जी को। क्या? अरे भाई हम लोग भागा को ढूंढने हैं तो भागा को ढूंढो ना भाई। आपका ये बार की तारीफ में लग गए, कॉम्फेस अच्छा है ने सब। कॉम्फेस नहीं जेठालाल, कॉन्सेप्ट। अच्छा यार अभी ये सब बातें करना जरूरी है, भागा को ढूंढते हैं ना पहले। हाँ यहाँ की लाइट थोड़ी ब्राइट करा सकते हो? क्यों? ना लाइट बहुत डिम है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अतिप्रा ये बार है तो इसकी लाइट ब्राइट तब होती है जब ये बंद होने वाला होता है। अच्छा तो थोड़ी देर के लिए बंद करा सकते हो? अतिप्रा अरे हाथी भाई आपको बागा को ढूंढना है कि चेकअप करना है? नहीं ढूंढना ही है, सॉरी सॉरी। हाथी भाई हमें भले दिखाई कम दे रहा है लेकिन सुनाई तो फुल दे रहा है ना, तो हम क्या है सब बागा को आवाज देते हैं, वो जवाब देगा तो हमें सुनाई देगा तो पता चल जाएगा वो कहाँ बैठा है, बराबर ना मेहता साहब? करेक्ट। बागा 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 प्रा बागा 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 स्पीकिंग। हेलो हेलो ओरा 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 हेलो, बोलो पहले फोन करते फिर बात नहीं करते। हेलो कट हो गया अलग से। ओ यारो ओ पै गया सियापा, वो देखो वो बागा ने तो पार्टी शाटी की आधी बोतल खाली कर दी है। हे भगवान, बागा जैसा है वैसा ही रहे तो अच्छा है, अगर सीधा हो गया ना तो केस बिगड़ जाएगा। अगर ये सीधा हो गया तो हम सबको टेढ़ा करके है? मतलब टेढ़ा कर देगा। तो दोस्तों अर्ज किया है, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बेवफा बार की ओर मोड़ा, एक भले मानुष को दारू के साथ पिलाया सोडा। वाह 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 वा। ये तो शायरी कर रहा है। अरे शायरी नहीं लवारी कर रहा है। चल भगा उठ, चल घर चल चल। कौन? अरे सेठ जी आ? सब यहाँ क्या हुआ? आप सबका दिल भी किसी ने एक साथ तोड़ दिया? तूने? तू चल भाई छोड़ ये सब, चल घर चल, हम तुझे लेने आए। चल घर, घर से बेघर कर दिया है किसी ने मेरे नाजुक दिल को तोड़ के चल चल कर दिया है। अरे चर चर नहीं रे, चूर चूर असता ते। वो तो जैसी जिसकी सोच। बागा दिस इज वेरी रॉन्ग, चल घर चल। वाह हुआ, इसने किया वो गलत, इसकी गर्लफ्रेंड ने किया तो सही। ओए तू कौन है बे? मैं वो एक अनजान दोस्त हूँ जिसके आने से जान में जान आती है। बराबर है दोस्त, जब मोहब्बत साथ छोड़ देती है तो एक दोस्त ही होता है जो कदम कदम पे अपने साथ चलता है। वाह वाह,
थैंक यू माय फ्रेंड। दोस्त? ये तेरा दोस्त है? मैं सिर्फ दोस्त ही फरिश्ता हूँ जिसका टूट जाए दिल दिखाता रास्ता हूँ। चुप है, चुप। मदन चोपड़ा। आई डोंट नो। हो गया सीधा खेल शुरू। खत्म। शुरू का था। हे मदन चोपड़ा, इसे कुछ मत कहो प्लीज। यही तो है जिसने मुझे सहारा दिया है। एक यही तो है जो मुझे इस मधुशाला में लेके आया है। एक यही तो है जिसने मुझे संभाला है। बागा, ये तुम्हें संभाल नहीं रहा है बल्कि अपने नशे की प्यास बुझा रहा है। चल बागा, यहाँ से चल। तेरी वजह से गोकुलधाम वाले कितने परेशान हो रहे हैं। इस दुनिया में सब परेशान है पर इस बोतल की वजह से सीने में जान है। बराबर है दोस्त, एकदम बराबर है। अरे तुझे बोला ना तो चुप रह। बागा चल भाई चल, ये छोड़ ये सब, घर चल चल। खबरदार जो दोस्त तू मुझे छोड़ के गया तू। नहीं 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 दोस्त, नहीं मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा। छोड़ना है तो तेरी गर्लफ्रेंड बावली को छोड़ दे। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम मुझसे कहते हो बावरी जी को छोड़ दो, बावरी जी मुझसे कहती है मुझे छोड़ दो, सेठ जी कहते हैं सब कुछ छोड़ दो। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन गम के अलावा कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। चलो बागा अभी घर चलो, कल सुबह हम सबको काम पे जाना है। सुना, जिसे देखो उसे बस काम ही काम है। अरे खरीद लो मेरा ये टूटा हुआ दिल, इसका बहुत कम दाम है। वाँ 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 वाँ। चल बागा यहाँ से चल, तेरी वजह से यहाँ सब कितने परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बेवफा बार में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। बागा बॉय प्लीज घर चलो। नहीं, मेरा दोस्त बागा घर पे नहीं जाएगा। ये नवरेंद्र, तू कब से इसका दोस्त हो गया? हमारा इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का नाता है। ये पिछले जन्म वाली, तुझे ये जन्म में नहीं देखा, तू पिछले जन्म की बात कर रहा है? हाँ। ओए तू है कौन? वो क्या नाम है तेरा? नाम मेरा पता नहीं। अच्छा एड्रेस वो पता है? एड्रेस पता नहीं। पाओगा? तुम इतको जानते हो ये कौन है? आई डोंट नो। मैं दुखियारा रास्ते से जा रहा था, ये दुखी गाना गा रहा था। मैंने उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई तो वो मुझे यहाँ इस बार में लेके आए। यस, मैं पुण्य का काम करता हूँ, जो दुखी होता है उसका दुख कम करता है। वाह।
वाह 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 दोस्त वाह, चल हो गया इसका दुख कम। हाँ अभी हम लोग जाते हैं, बिल दे देना, चलो। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास देने को सिर्फ कंधा है, मैं देने को सिर्फ दिलासा दे सकता हूँ, बिल नहीं, वो तो आपको ही देना पड़ेगा। मुझे सख्त है, ये दुख कम करने के बहाने पैसा कम करेगा। अरे वेटर, ऐसा भाई ये टेबल का बिल कितना हुआ? 4,000 सर। 4,000? साहब पूरी बोतल ली है ना, पूरी बोतल का 4,000 ही है। हाँ पर बोतल तो आधी ही पी ना ये लोगों ने, तो 2,000 देता हूँ। क्या साहब पहली बार बार में आए हो क्या? पियो या नहीं पियो, ऐसे तो पूरे बोतल के देने पड़ेंगे। मतलब आधी बोतल वेस्ट। वो वेस्ट क्यों बिड़ू, वो हम सब मिलकर एक एक पैक मार लेते, हो जाएगी खत्म। जा बेटा ग्लास ले। ये क्या बोल रहे हो सोडी भाई, ये बागा को यहाँ से ले जाने के बदले आप पार्टी शार्टी की बात कर रहे हो? नहीं नटू काका, बोतल वेस्ट हो रही थी, मैं तो बस सलाह दे रहा। उसकी चिंता आप मत करो, बाहुला मैं कुछ वेस्ट होने नहीं दूंगा। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। चलो चलो अभी बागा को लेके निकले। हाँ चलो भाई, चलो चलो। साहब बिल के पैसे। अरे हाँ यार क्या मुसीबत। चलो 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 अभी बागा को लेके बाहर चलो। ये सब मुझे अगर लेके जाओगे कहीं तो भी घूम फिर के आऊंगा मैं यहीं, क्योंकि धरती पे अगर कहीं सुकून है तो वो है सिर्फ यही यही यही। अरे तू होश में नहीं इसलिए बोल रहा है कुछ भी, कल सुबह आएगा होश तो पछताएगा तभी। Hey, Gonzalez. Hey. Hey, Gonzalez, my friend. इस दुनिया में दो किस्म के इंसान पछताते मालूम, एक वो जो प्यार नहीं करके पछताता है और एक वो जो प्यार करके पछताता है। इन शॉर्ट पछताना तो पड़ता ही है मालूम। वाह 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 वाह, धन्यवाद। मुझे लगता है अभी इसे उठा के लेके जाना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, चलो चलो चलो। ए मेरे दोस्त को किधर लेके जा रहे हो, ए रुको रुको, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, छोड़ो 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 छोड़ो। क्या करना है भाई, मुझे जाने दीजिए मेरे भाई, प्लीज मुझे पीने दीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज मेरा गम कम करने दीजिए मेरे भाई, सॉरी भाई प्लीज। छोटी इसका मुंह बंद कर, मुंह बंद कर इसका। सेठ जी अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है इसको सबसे पहले घर ले जाते हैं। नहीं। अरे क्या नहीं, सेठ जी आप सभी मिलके उसको संभाल नहीं पा रहे हैं तो मैं अकेला कैसे संभालूंगा, वो वापस भाग जाएगा। सोड़ी सोड़ी ये कुछ कहना चाह रहा है। कीकी कीकी का हाथ तो हटा। ओ हाथ हट गया है बागा। थैंक यू सोडी भाई, मैं तो कहता हूँ आप सब भी मेरे साथ अंदर चलो, फिर देखना वहां से कोई नहीं भागेगा।
यारो ये गलत करेक्ट है जी। जो ठीक ये अभी कुछ भी बोल रहा है जेठालाल, इसको भी होश में लाना पड़ेगा। ओ यारो ओ मैं कहता हूँ इसके सर पे दो बाल्टी ठंडे पानी की डालो, वो नशा तुरंत उतर जाएगा। नहीं नहीं सॉरी, ठंड का मौसम है, बाघा पे ऐसे ठंडा पानी डालेंगे तो उसे सर्दी लग जाएगी। एक काम करते हैं, हम उसे गोकुल धाम ले जाते हैं। अजी भाई अगर मुझे कहीं लेके जाना है तो भाभी जी के पास लेके जाओ, मुझे उनसे पूछना है उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे छोटी इसका मुंह बंद कर भाई, ये मुंह खोलता है और हमारा दिमाग बंद हो जाता है। पिडू हाँ हाँ लगे लगे ओके। हाँ डॉक्टर राजी आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि हम बाघा को गोकुल धाम ले जाते हैं, वहां मैं उसे गोली दूंगा ना तो उसका नशा उतर जाएगा। आतिब्रा वो गोली पुत्र को देने से बाघा प्रा का नशा कैसे उतरेगा? सॉरी तुम तो बिना पार्टी शार्टी के भी दिमाग खा जाते हो। मैं क्या कीता? मैं अपने बेटे गोली की नहीं, नशा उतारने वाली गोली दवाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो दवाई मैं बाघा को दे दूंगा तो उसका नशा उतर जाएगा। अरे चलो चलो जल्दी करो, इसे होश में लाना जरूरी है, अगर ये फिर से आवा भाग गया ना तो और मुसीबत हो जाएगी। हाँ चलो 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 जल्दी जल्दी गोकुल बैठना। अरे नहीं भाई ये दरवाजा बंद करना है ना, आप आधे बाहर है फिर ऐसे दरवाजा बंद कर चिमटी आ जाएगी आपको इधर, तो फिर इसके लिए थोड़ा अंदर बंद करो बंद करो। हाँ चलो 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 अरे वाह बागा भाई मिल गए। अरे आप भाई मान मान मिला ये हीरो। हीरो नहीं सेठ जी, जीरो बोलिए जीरो। जिसका दिल टूटता है, जिसकी प्रेमिका उसे छोड़ के चली जाती है, वो हीरो नहीं जीरो होता है, जीरो। बागा भाई ऐसे क्यों बोल रहे? क्योंकि बागा ने पार्टी शार्टी किया इसलिए। वो जल्दी से जाकर नशा उतारने वाली गोली लेकर आई है ना। सॉरी तुझे क्या हो गया है? हाँ मैंने ही कहा ना कि बाघा को नशा उतरने वाली गोली देता हूँ, तो क्या यहाँ आके भूल जाऊंगा? गलती गलती होगी छोटी से आती भाई, आप जाइए गोली लेकर आइए जाइए। छेती छेती सॉरी सॉरी। अरे भाई छोटी तो शांति रख भाई, तो जा रहे ना ला रहे गोली, जाइए आती भाई जाइए गोली लेकर आइए जल्दी। जीता भाई गोली ही लेने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, जेठालाल के लिए मुसीबत ट्रेन के डब्बों की तरह जो कभी खत्म ही नहीं होते, एक के बाद एक मुसीबत वाला डब्बा आता ही रहता है। खैर बागा ने पार्टी शार्टी कर ली और हम सब जानते हैं जब बागा पार्टी शार्टी करता है तब क्या होता है, बागा सीधा हो जाता है। बागा को इस हाल में देखकर हम सबके होश उड़ गए और बागा को होश में लाना बहुत जरूरी है और इसीलिए हाथी भाई अपने घर गए नशा उतारने की गोली लाने के लिए। तो आपको क्या लगता है, हम जितना आसान सोच रहे हैं उतनी आसानी से बागा गोली खा लेगा या फिर हम पे धमाल मस्ती और परेशानी की बरसात बरसाए? मजे की बात यह है कि ये सारी धमाल गोकुल धाम में होने वाली है। गोकुल धाम में जो कुछ भी, लेकिन आपके घर पर हंसी और ठाकों की बरसात ही होगी। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। मारिए मारिए गोली मेरे सर में मारो, भेजे में मारो, भेजा बहुत शोर कर रहा है।
बागा तुम्हें गोली मारनी नहीं है, गोली खिलानी है। नहीं नहीं मेहता साहब प्लीज, मैं कोई गोली वोली नहीं खाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़िए। नहीं छोड़ेगा, जब तक डॉक्टर आदि तुमको गोली नहीं खिलाता हम तुमको नहीं छोड़ेगा। ए बागा, तुमने मेरे को आया तो क्यों देगा? शेर भाई संभालना, ये कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब? कुछ भी मतलब कुछ भी। बागा ये लो, ये गोली खा लो। नहीं नहीं मैं कोई गोली वोली नहीं खाऊंगा, नहीं। ये? अरे बागा गोली खा ले। नहीं मैं गोली नहीं खाऊंगा। बागा यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई शराब पीकर थूथ हो जाता है तो डॉक्टर आती उसे कहते हैं कि गोली खा ले वरना लीवर खराब हो जाएगा। बुला कहीं झाला बराबर है भिड़े भाई, बराबर है। दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है मालूम? मालूम? नहीं ऐसे आदत नहीं है, लेकिन बावरी जी ने मुझे मैसेज किया इसलिए आज पूरी बोतल मिली। बागा गोली खा ले। गोली खा लो बागा। नहीं मैं कोई गोली वोली नहीं खाऊंगा। और अगर आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती की तो मैं सोडी भाई की जीप पे बैठ के भाग जाऊंगा। अरे आए तो कहते भाग जाएगा, हमने तेरे को पकड़ के रखा है। अय्यर भाई प्लीज मुझे छोड़ दीजिए वरना मुझे आपको बटका भरना पड़ेगा। बटका हो गया होता अभी दिखाता हूँ। पकड़ा पकड़ नहीं खेल रहे माधवी, बागा को पकड़ रहे। बागा नहीं 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 बागा अरे ये देखो बागा को ऊपर नहीं आएगा। बागा ये क्या कर रहा है, नीचे उतर गिर जाएगा। हाँ। हाँ। नहीं कोई यहाँ पकड़ने मुझे ऊपर नहीं आएगा। अगर कोई ऊपर आया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। जेठालाल ब्रह्मास्त्र। अरे अभी उसका क्या है भाई, वो तो देखा ना हम लोगों ने। अरे मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाचा जी को बुलाओ वो बागों को समझाएंगे, चाचा जी की बात नहीं टालेगा वो, आ जाएगा नीचे। तो बापू जी है नहीं, कहाँ गए? भजन करने गए। सांग ना तनी। अरे नीचे छंग तो बापू तो खरच भजन करे कीर्तन में। हाँ कर लो। क्योंकि बोलने जैसा कुछ है ही नहीं। बागा भाई का हुआ क्या है? अरे रे, ये बागा भाई अचानक एकदम सिद्ध कैसे हो गए? ऐसा तो दमन के रिजॉर्ट में हुआ था।
जो बागा भाई ने गलती से पार्टी शार्टी कर ली थी। आज भी वही हुआ है माधवी। क्या? आज मेरा भाग्य फूटा है, नाजुक ये मेरा दिल टूटा है, छोड़ के चली गई मुझे बावरी जी, इसलिए मैंने लगाई पाटली जी। वाह, आधा बजे आधा बजे। ओ जी, मारे बागा प्राणे ना पट्टी छट्टी की है। ओयो, बागा भाई, तू बागा भाई ने पट्टी छट्टी की? रोशन, मैं की कीता? तूने तो ना जी ना, वो की गल कर रही है? उल्टा हम लोग तो बागा प्राण को पट्टी छट्टी वाली जगह से यहाँ उठाकर लेकर आए। इतनी शर्मनाक बात है कि बागा भाई ने ऐसा किया है। देख, देख बागा, देख बेचारा बबीता जी को कितना बुरा लग रहा है। नीचा। जेठालाल, गुस्सा बाद में होना, पहले बागा को नीचे उतारो। अगर उसने वहां से जंप कर दिया तो देने के लेने पड़ जाएंगे। अय्यर भाई, देने के लेने पड़ जाएंगे नहीं, लेने के देने पड़ जाएंगे होता है। बगा, देख बेटा, ये सब करता बंद कर और नीचे आ जा बेटा। हाँ, नीचे आ जा। अब आ जा बेटा, प्लीज। देख बगा, सीधी तरह से नीचे आता है कि ना चाहते हुए फिर हम सबको बुरा होना पड़ेगा। बोल देता हूँ, बने हम लोग बुरा बने, बने बोल ना मुन्ना ना, बुरी तो ये दुनिया है मेरे सेठ। ये दुनिया जो है वो कमजोर्फ प्यार करने वालों के लिए नहीं है मेरे भाई। ए भाई, ए भाई। अरे एक बावरी ने तुझे मैसेज किया, उसमें पूरी दुनिया कैसे बुरी हो गए भाई? क्योंकि बावरी जी मेरी पूरी दुनिया है सेठ जी। आ जो आ यार। ओ बागा प्रा, जिंदगी में तो ये सब होता रहता है, क्यों आती प्रा? ओ यार, इतनी सी बात के लिए कोई पार्टी शार्टी करता है? ओ पार्टी शार्टी तो कोई करता है वो मौज मस्ती के लिए, वो खुशी के लिए। आजा आजा बागा प्रा, धल्ले आजा, वो मिलके पार्टी शार्टी करते हैं। रोशन, आशु बोले छे, शर्म ना क्या होती? ओए मेरी पोली पर्सन, मैं तो बस ऐसे ही वला रहा सी। शर्म, जिसने की शर्म उसके फूटे कर कर। बावरी की वजह से बागा भाई कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। प्रेम प्रकरण का परिणाम है। आप सबको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। बागा भाई, हमें आपकी कहानी पता है। जो नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक दर्द भरी कहानी है। आप लोग ही मुझे बताइए, क्या अपनी मंगेतर के साथ पूरा दिन बिताना कोई गुनाह है? क्या अपनी मंगेतर के लिए एक हार्ट वाला बुके ले जाकर लवली गार्डन में उसका इंतजार करना कोई गुनाह है? फिर बावरी जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझसे वो मिलने नहीं आए? क्यों? जो लड़की ऐसे सीधे साधे भोले भाले लड़के को परेशान करती है वो जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रहेगी। मेरा जी कटता है मैं उसे शराब दे दूं। और रोशन, है कि तू मैनू मना करती है और उसको शराब देने की बात कर रही है?
अरे गेलो, तुझे तो बस एक चीज सुनाई देती है। मैंने शराब कहा, शराब नहीं, मैं बावरी को शराब देने की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं ये बावरी जी को कुछ मत कहिए, उनका कभी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। सॉरी, मैं दुखी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे बावरी जी कभी दुखी नहीं होने चाहिए, कभी नहीं। बेचारे भागा भाई, बावरी से कितना प्यार करते हैं। हमें बावरी को डांट के समझाना पड़ेगा, उसकी आंखें खोलनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ये भी नहीं चलेगा। सॉरी, बावरी जी भले ही मुझ पे लाख सितम ढाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा। वाह का प्रेम है। अब अगर बावरी जी के खिलाफ कुछ बोला तो मुझे और पीना पड़ेगा। ओ पलिए लोगों, प्लीज बावरी के बारे में कुछ मत बोलो, वरना बागा परा उन्हें ब्रेक फेल हो जाती है, अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। बागा भाई, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है और हम सबको उस बात का बहुत दुख भी है। नहीं बुरा नहीं, अपमान हुआ है, अपमान मेरे प्यार का, मेरे जज्बातों का, अरमानों से भरा मेरा दिल टूट के चकनाचूर हो गया है, मेरी आत्मा घायल हुई है। बागा भाई, अगर आपको कुछ हो गया तो हमें बहुत दुख होगा, आप प्लीज नीचे उतर जाइए ना। प्लीज प्लीज पढ़ नीचे आ जा भाई, नीचे आ जा। मैं क्या मिनट है बागा भाई, आप नीचे उतर जाइए और बावरी जी को फोन करके पूछिए ना कि उन्होंने ऐसा मैसेज क्यों किया। हाँ, किए मेरे बावरी जी को बहुत फोन किए, लेकिन उनका फोन कब से स्विच ऑफ आ रहा है। ओके, सेफ सेफ सेफ। बागा भाई, आज नहीं तो कल आपकी बावरी से बात हो ही जाएगी ना, उसके लिए पार्टी शार्टी करने की क्या जरूरत थी आपको। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वक्त बड़े से बड़े दर्द को हल्का कर देता है, लेकिन इंसान ये समझता नहीं है, उसे तुरंत इलाज चाहिए। तुम बागा जल्दी नीचे आ जाओ। अरे हाँ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। पहली बार बोला अभी। सही सॉरी भाई, वापस अपनी जगह पे आइए, वापस वापस, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। सॉरी भाई, तू आ ना पाए, कहाँ जा रहे तू? बागा, कोई नहीं ऊपर आएगा, लेकिन तू कुछ मत करना। ओके, देखो बागा, तुम गलत कर रहे हो। अरे दिल टूट जाने पर कोई ऐसी हरकत करता है भला? हमारे पोपट से कुछ सीखो। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ, पोपट लाल का तो कितनी बार दिल टूटा है, तो क्या तेरा जैसा करता है? अरे उनका तो दिल जुड़ा ही नहीं है, तो टूटेगा कैसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसका भी बहुत बार दिल टूटा है बागा, लेकिन वो सब भूल के काम पे लग जाता है। हाँ तो? अरे हाँ, अभी थोड़े दिन पहले वो तेरे मामा की लड़की वाला प्रकरण हो ही गया ना उसके साथ। मामा? उसमें उसका दिल टूटा ही ना। फिर? लेकिन ना उसका कुछ असर नहीं, मतलब सब कुछ भूल के रोज नौकरी पे जा रहा है ना वो। माँ? आज भी गया है, अभी तक वापस लौटा नहीं है, डबल मेहनत कर रहा है वो। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बागा, दिल टूटने के बाद इंसान को डबल मेहनत से काम करना चाहिए। हाँ, वो अपने पप्पू को तो सल्यूट है, वो जी रब दा बंदा है, एक अलग ही मिट्टी का बना हुआ है। अलग, एकदम अलग। हाँ तो उनको टूटे हुए दिल के साथ जीने की आदत हो गई है, मुझे नहीं है। जब तक इसका नशा नहीं उतरेगा तब तक ये कुछ नहीं समझेगा। बाका, देख सीधी तरह से नीचे आके गोली खा ले, वरना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का दरवाजा
मैं तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। वाह 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 सेठ जी वाह, जिस तरह बावरी जी ने अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए, वैसे ही आप भी दुकान के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दो। वाली दुनिया वाह, अच्छा सिला दे रहे हो सेठ जी। अरे जयडा लाल, बागा को क्यों रुला रहे हो? उसके साथ है ना प्यार से बात करो। देखो अभी मैं दिखाता हूँ प्यार से बात कैसे करते हैं। अच्छा। अरे बागा, अरे किले वहा एलम सेरी आई रूम। यार भाई ऐसा क्या बोल दिया आपने? मैं तो पहले से ज्यादा रो रहा है। अरे मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि बागा नीचे आ जाओ तब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तो फिर तमिल में क्यों बोले आप भाई? अभी सबने हिंदी में ट्राई किया तो मैंने सोचा मैं कुछ अलग ट्राई करके उसको समझाता हूँ। अरे पर अलग में तो ज्यादा रोने लगा ना। बागा बहुत अभी आ गए, चल नीचे आ जा, ऐसे सबको इंतजार करवाना अच्छा लगता है तेरे को? तो ए, ए, नटू काका, बागा का इंतजार तो 111 मुल्कों की पुलिस करती है, लेकिन जानो चलो तेरे ए, बागा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। वापस वापस। अगर आपने आपका एक कदम भी सीढ़ी पे रखा तो मैं अपने दोनों कदम यहाँ से उठा दूंगा। अरे तुम्हें क्यों ऊपर जाना है भाई? हाँ छोटे प्लीज भाई। ओए चलिया, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा तो ये नीचे कैसे आएगा? आऊंगा मैं, नीचे आऊंगा, लेकिन अगर आप ऊपर आए तो मैं यहाँ से डायरेक्ट नीचे आऊंगा। कुदु कुदु। नहीं नहीं बागा नहीं, कल 50 टीवी कुछ हो जाएगा तुझे बेटा, ऐसा मत कर ले। नहीं माता माता, तू नीचे माता, चलेगा तू ऊपर ही रहे। देखिए मैं आप सब लोगों से लास्ट एंड फाइनल टाइम बोल रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी ऊपर आया तो मैं यहाँ से खुद जाऊंगा और उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं आएगा भाई, कोई नहीं आएगा, कोई ऊपर नहीं आएगा। कोई नहीं ऐसे बोल, मैं ऊपर नहीं आऊंगा। हाँ ऊपर नहीं आएगा ये क्या है? ओ अच्छा, अब मैं ऊपर नहीं आऊंगा। I don't trust you. अच्छा तो मैं बोलता हूँ कि कोई ऊपर नहीं आएगा, ओके? अबे I don't trust you as well, you goalie man. अरे तब तो किस पर ट्रस्ट करता है मैन? ट्रस्ट? ट्रस्ट तो मैंने बावरी जी पे किया था, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए अब से मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगा। ये ट्रस्ट से मैं बहुत त्रस्त हो गया हूँ। अगर आप में से किसी ने भी चालाकी से ऊपर आकर मुझे नीचे ले जाने की कोशिश की तो आप सबको एक दूसरे की कसम। दोस्तों गोकुलधाम वासियों पर अजीब विडंबना आ गई, अक्सर लोग टेढ़े इंसान को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे गोकुलधाम वासी मिलकर सीधे बागा को नशा उतारने की गोली खिलाकर टेढ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हम चाहते हैं कि बागा नॉर्मल हो जाए और रेलिंग से नीचे आ जाए, लेकिन बागा
जो कि एक घायल आशिक है, उसने सबको कसम दे दी कि उसके पास कोई नहीं आ सकता और जबरदस्ती उसे नीचे कोई नहीं उतार सकता। दूसरी ओर बावरी की कोई खबर नहीं, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कानपुर से आकर दोबारा कानपुर चली गई? भाई बागा और बावरी की लव स्टोरी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये लव स्टोरी आपके चेहरे पर हंसी और ठहाके जरूर लेकर आएगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अगर आप में से किसी ने भी चालाकी से ऊपर आकर मुझे नीचे ले जाने की कोशिश की तो आप सबको एक दूसरे की कसम। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, कोई कोई ऊपर नहीं आएगा, कोई ऊपर नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ठीक है? शाबाश पर बच्चा। बागा नीचे आ नहीं रहे, हम ऊपर जा नहीं सकते। मुझे तो कल का टेंशन है। कल क्या? ऑफिस। क्या मेहता साहब, आप भी इधर बागा इतना परेशान है और आपको ऑफिस का टेंशन है? अरे मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त वाला बॉस नहीं समझता है। तो छुट्टी ले लो ना। बागा क्या हो गया है तुझे? हमारे परिवार जैसे गोकुलधाम वालों को और हमारे सेठ जी हमारे अन्नदाता को परेशान कर रहा है तू। और मेरी किस्मत ने मुझे इतना परेशान किया उसका क्या? अरे तेरी किस्मत ने तुझे परेशान किया, इसमें ये सबका क्या कसूर? तो और बेटा किस्मत का ज्यादा मन पर नहीं लेने का। तुझे तो पता है ना मेरी किस्मत हर तीसरे दिन मेरे साथ कोई ना कोई कांड करती रहती है। अब ये हर तीसरे दिन मैं तेरी तरह से रेलिंग पर चढ़ जाऊं तो फिर धंधा कब करूं? चल चल बेटा नीचे आ जा, देख कल 50 टीवी की डिलीवरी करनी है वो भी फिटिंग के साथ। हा? चल चल आ जा, आ जा। वाह सेठ जी वाह, यह मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और आपको फिटिंग की पड़ी है। किसी आशिक ने बहुत सच कहा है, पैसा हमेशा प्यार पे भारी पड़ा है, टू हैवी ऑन हार्ट। जेठा जी वो सही तो कह रहे ना, आप अभी टीवी की बात मत कीजिए ना प्लीज। क्या है वो नीचे आ जाए ना, इसलिए जानबूझ के मैं ऐसा बोला, क्योंकि वो एकदम कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ आदमी है। कर्मठ कामढा। कामढा अरे मतलब उसको काम से बहुत लगाव है, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा बोला ताकि वो नीचे आ जाए। अच्छा अच्छा ओके चलो। सॉरी सेठ जी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे नट्टू काका? मेरे भतीजे की वजह से आप सब परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं वो कुछ नट्टू काका, आप चिंता मत कीजिए, एक बार मैं प्यार से समझाने की ट्राई करता हूँ कि वो रेलिंग के उस पार चला जाए। हाँ हाँ बाघा। जी 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 मेहता साहब। तू प्यारा इंसान है ना? अगर मैं प्यारा इंसान होता तो बावरी जी मुझे छोड़ के क्यों चली जाती? मेरे कहने का मतलब है कि तू अच्छा इंसान है ना? अगर मैं अच्छा इंसान होता तो भी बावरी जी मुझे छोड़ के क्यों चली जाती? ए बागा तू अभी बावरी को छोड़। नहीं गोली मैन, मुझे बावरी जी को छोड़ने के बारे में कभी मत कहना, मैं बावरी जी को कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर ऐसा दिन आया तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, जो कर रहा है वो बागा कर रहा है। कम ऑन हंस, बागा भाई नशे में है पर तुम तो होश में हो ना। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलू क्या ना बोलू। नक्का बोलू बागा। बागा तुम्हें जो भी बात करनी है नीचे आके बात करो। हाँ तुम प्लीज एक बार नीचे आ जाओ। हाँ 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 ठीक है मेहता साहब, आप कहते हैं इसलिए मैं नीचे आ रहा हूँ। ओके नहीं, पहले आप बावरी जी को बुलाइए
फिर मैं नीचे आता हूँ। कि बावरी के बगैर नीचे नहीं आएगा मेहता साहब। अरे लेकिन अभी बावरी को लाए कहाँ से? मेरे पास एक आइडिया है। सुनो 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 बोलो। वहीं से सुनो। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया बोलो। हम बागा से झूठ मूठ कह देते हैं कि बावरी का मैसेज आया कि वो गोकुलधाम सोसाइटी आ रही है, तो तुम नीचे आ जाओ। ठीक है। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोल? मुझे सुना नहीं? नहीं, उधर सुना ही नहीं दिया। कैसे लगा ऐसी दिक्कत? मेहता साहब फिर से बोली। मैं ये कह रहा था कि नट्टू काका बागा से बोलेंगे कि उन्हें बावरी का मैसेज आया कि वो गोकुलधाम सोसाइटी आ रही है, और जैसे ही ये बात सुन के बागा नीचे आएगा, हम उसे गोली खिला देंगे। अरे वाह 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 वाह, मेहता साहब वाह, मस्त 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 मस्त। बागा बागा, गुड न्यूज है, ये बावरी यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है। अरे क्या सर जी, बावरी जी यहाँ आ रही है? हाँ, अभी मुझे उसका मैसेज आया। ले बोल। अच्छा, दिखाइए मैसेज, दिखाइए। ये देख। दिख नहीं रहा है। वहां से कैसे दिखेगा बेटा? नीचे और देख ले। हाँ, नीचे आ जा, नीचे आ जा। ठीक है नट्टू काका, मैं अभी नीचे आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। नहीं, नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा। क्यों? अरे क्यों, अभी क्या हुआ बेटा? क्योंकि जब से बावरी जी ने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। अब तो मैं नीचे तभी आऊंगा जब बावरी जी खुद यहाँ आएंगी। पहले मुंह दिखाई, फिर बागा उतर के आई। क्या मुसीबत है नट्टू काका, एक बार सच में बावरी का फोन लगाओ, देखो उसका फोन चालू हुआ क्या। फोन स्विच ऑफ। अरे जब तक बावरी नहीं आएगी तब तक ये नीचे नहीं आएगा, और बावरी का कोई अता पता नहीं है। हमें सबसे पहले बागा भाई को रेलिंग के उस तरफ लाना पड़ेगा। वाह वाह बबीता जी, बहुत 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 बढ़िया सोचा, बहुत बढ़िया सोचा आपने, मस्त। मैं तो सर सोचिए ना, बागा को रेलिंग के उस तरफ कैसे भेजा जाए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। बागा जी। जी मेहता साहब। देखो, हम लोग बावरी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन बावरी जब तक नहीं मिल जाती तब तक मैं नीचे नहीं आऊंगा। हाँ बाबा, मैं जानता हूँ, तुम मत आओ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक बावरी नहीं मिल जाती तब तक तुम रेलिंग के उस तरफ चले जाओ। हाँ। क्यों? क्योंकि तुम नीचे गिर सकते हो, और अगर तुम नीचे गिरे तो बावरी को बहुत दुख होगा। हाँ। तुम बावरी को दुखी करना चाहते हो? नहीं 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 नहीं। तो मैं क्या करूं? तो तुम रेलिंग के पीछे चले जाओ, और हम बावरी को अभी बुलाते हैं। हाँ। ओके, एक जाता हूँ, एक मिनट। आया रेलिंग के उस पार आ गया। दे वो तो पीछे चला गया, लेकिन बावरी का क्या? ना उसका फोन लग रहा है, ना वो उसके घर पे है। बावरी के किसी फ्रेंड का नंबर है तो हम उनसे पूछ सकते हैं। वो यहाँ मुंबई में अकेली रहती है, उसकी कोई फ्रेंड नहीं है। उसके लिए तो बागा ही सब कुछ था। एक काम करें, बागा को सोडा में गोली डाल के पिला दे। अरे मस्त आइडिया अब्दुल, जा लेके आ सोडा, लेके आ सोडा, लेके आ। नहीं नहीं, एक बार बागा को पूछ लेते, नहीं तो सोडा वेस्ट हो जाएगा। बागा भाई, आप सोडा पियेंगे? किसके साथ?
नहीं 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 सॉरी सॉरी, जब तक बावड़ी जी यहाँ नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ नहीं पीऊंगा। बागा भाई आप सोडा छोड़िए, कम से कम कुछ खा तो लीजिए, आप कब से भूखे होंगे। नहीं कम ऑन बागा भाई, आप गोकुलधाम आओ और खाली पेट रहो, ये अच्छा नहीं। सही बात है बागा। ए, नहीं 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 नहीं, मेरा पेट खाली नहीं है, मैंने कसम खाई है कसम। ओहो, जब तक बावड़ी जी यहाँ नहीं आएंगी मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अरे पर अब तो बावड़ी को ही आना पड़ेगा बागा को नीचे उतारने के लिए और उसका नशा उतारने के लिए। अगर बच्चे यहाँ होते ना तो वो अपने किसी स्मार्ट आइडिया से बागा भाई को नीचे जरूर ले आते। हाँ, लेकिन बच्चे है कहाँ? बच्चे अपने फ्रेंड ऋषि के बर्थडे पार्टी में गए हैं। समझ नहीं आ रहा है, झूठ तो बोल दिया लेकिन अब इस झूठ को सच कैसे साबित करूं? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्या? जिसे बावरिया नहीं आकर भी आ सकती है। क्या? कैसे? क्या 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 मतलब बावरी नहीं आके भी आ सकती है, मतलब क्या अंजलि भाभी? मतलब अगर हम में से कोई बावरी बनकर बाका भाई को नीचे आने के लिए कहे, बाका भाई तो नशे में है और इतने ऊपर से वो कुछ देख भी नहीं पाएंगे, बस एक बार बाका भाई नीचे आ जाए तो हम उन्हें होश में ला सकते हैं। अंजलि I love you. क्यों? अरे वाह मेहता साहब, वाह वाह अंजलि भाभी, मस्त मस्त आइडिया, मस्त। अरे वाह गुड आइडिया। क्या, दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, थैंक यू। हां अंजलि भाभी आइडिया चांगली है पर बावरी बनेगा कौन? अंजलि भाभी आपने आइडिया दिया ना तो आप ही बन जाओ बावरी। मैं? हाँ हाँ आप ही बन जाओ। करेक्ट जी। हाँ जी तुम बन जाओ। ठीक है रेडी? हाँ पर एक मिनट, मैं जाऊंगी कैसे? बागा भाई की नजर तो हम पर ही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बागा का ध्यान हटाता हूँ। बागा बावरी का वापस मैसेज आया है। अच्छा क्या? उसका मैसेज है कि वो थोड़ी देर में गोकुलधाम आ रही है। ए, वा, वा, वा। तू उल्टा घूम गया। क्यों? अरे बावरी तुझे सरप्राइज देना चाहती है इसलिए। सरप्राइज बेटा, सरप्राइज देना चाहती है बावरी बेटा, घूम जा। ओ अच्छा ठीक है नटू काका, ठीक है। वाह वाह मेहता साहब, अंजलि भाभी ने मस्त आइडिया दिया। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। जेठा लाल इसमें थैंक यू की क्या बात है? अरे कितना टाइम नटू काका, अभी तक बावड़ी जी आए क्यों नहीं? अभी मैसेज आया है, वो आ रही है। पहुंच रही है, पहुंच रही है। ठंड रख बड़ा ब्रा, ठंड रख। अरे और कितना टाइम, कहाँ है बावड़ी जी? अरे आ गई हो, देखो रिक्शा का पैसा चुका रही है। ओ छुट्टा है बावड़ी के दो। अच्छा है ना, ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ हाँ अरे और कितनी देर, बस बस आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। टिट्टू बावरी। अरे वाह अंजलि भाभी, आपने तो हू बहु बावरी जैसे ही कपड़े पहने, झोला भी सेम टू सेम है। अंजलि बाप परफेक्ट, पक्का बागा भाई पहचान नहीं पाएंगे।
बागा तुझे जिसका बेसब्री से इंतजार था वो आ गई है। हाँ घूम जा बेटा, घूम जा घूम जा। बावरी जी आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया था? और मुझसे मिलने के लिए मना क्यों कर दिया? बागा भाई, बाबा बावरी सब कुछ बताएगी आपको, आप पहले प्लीज नीचे आ जाइए। बावरी जी भी आ गए थे, आ जा नीचे। ओके ओके आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये बावरी जी ने अपना मुंह ढक के क्यों रखा है? क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं आपके अलावा और किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। बावरी जी की आवाज बदल कैसे गई? वो क्या है ना, मुझे सर्दी है और गलती से मैंने मिस्टेक कर ली, मैंने आइसक्रीम खा ली। बाबा बागेश्वर जी प्लीज मेरी गलती को माफ कर दीजिए। नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरी क्या गलती थी, मुझसे क्यों आप इतनी खफा थी? गलती आपकी नहीं मेरी हुई है, आप प्लीज पीती बातें भूल जाइए। अंजलि, कल्याण गए। इसको पता कैसे चला? बागा तो मैं भूल जाए या हो नहीं सकता। और तुम बागा को भूल जाओ या बागा होने नहीं देगा। आओ। ओहो टेंशन ना लो यारो, ये तो पिक्चर का डायलॉग बोल रहा था। कौन सी पिक्चर? जेठालाल पिक्चर का नाम है धड़कन, जिसमें हीरोइन का नाम अंजलि था। सुनील शेट्टी वाली हो? अच्छा बच गए। ये बागा भाई को प्लीज नीचे बुलाइए। हाँ हाँ प्लीज। बागा देख बावरी कब से आई है बिचारी, तुम ऐसे ऊपर खड़े हो नीचे से बात करिए, अच्छा लगता है तुम्हें? हाँ किसी लेडीज को ऐसे ऊपर से देखना अच्छी बात नहीं है बेटा। नहीं बावरी जी को ऊपर भेजो। अरे 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 बाप रे, सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। हमें लगा कि हम शेर हैं, लेकिन बागा वो तो सवा शेर निकला। भाई अंजलि को बावरी बनाकर बागा को नीचे उतारकर उसे नशा उतारने वाली दवाई खिलाने का प्लान चौपट हो गया। अंजलि को देखकर बागा को इस बात पर विश्वास हो गया कि वही बावरी है, लेकिन अब वो नीचे आने को राजी नहीं है। वो कह रहा है कि बावरी को ऊपर भेजो। अब जरा सोचिए, अगर अंजलि ऊपर आएगी तो हमारी पोल खुल जाएगी, उसके बाद बागा हमारा क्या हाल करेगा ये तो भगवान ही जाने। खैर
दोस्तों कल मकर संक्रांति, इसलिए आप सबको एडवांस में मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कल के दिन सूर्य देव दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में प्रयाण करते हैं और इसीलिए इस त्यौहार को उत्तरायण भी कहा जाता है। दोस्तों कल पतंग का त्यौहार है, लेकिन हमारे और बाघा के बीच में पेच आज ही लड़ चुकी है। अब बाघा हमारी पतंग काटेगा या हम बाघा की पतंग काटेंगे ये तो पता नहीं। पतंग किसकी भी कटे, लेकिन आपके घर के आसमान में हंसी और ठाकों की पतंगें उड़ती रहेंगी। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। अरे ये तो ऊपर नीचे करने में बहुत टाइम जाएगा। प्लीज बागा नीचे आ जाओ, प्लीज बात मान जाओ, नीचे आ जाओ। आप लोग बावरी जी को ऊपर भेजिए। अगर आप नीचे नहीं आएंगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। हाँ बोल, चले जाए, चले जाए वापस। अब रुकिए। जब मुझे आपकी हालत के बारे में पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं दाढ़ी चली आई। बावरी जी, I love you. बावरी जी, आप भी तो I love you कहो ना। वो मैं बावरी नहीं बनी। बावरी जी, आप भी तो आई लव यू कहो ना। आप मुझसे इतनी दूर क्यों जा रही है बावरी जी? बावरी जी, अरे सुनिए तो, रुकिए तो, क्यों है खफा? अरे कहिए तो। बावरी जी कमाल है, आप मुझे आई लव यू क्यों नहीं बोल रही है? बताइए ना कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, यहाँ पर सोड़ी भाई, जेठा भाई, नट्टू काका, अब्दुल भाई, भिड़े भाई, अय्यन भाई, हाथी भाई, तारक भाई, तारक जी, सब है ना, इसीलिए। कौन कौन है? चेता भाई, सोड़ी भाई, नट्टू काका, अय्यर भाई, हाथी भाई, भिड़े भाई, अब्दुल भाई, तारक जी, सब। धोखा! मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, धोखा! मेरे साथ धोखा हुआ है, चोरिया मुझे धोखा हुआ है। कितने जा रहे हैं भाग के? हाँ, सुनिए भागो भाई, क्योंकि आप सब ने मिलके मेरे साथ चीटिंग की है। कैसे चीटिंग? चीटिंग? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैसी चीटिंग, कैसा धोखा? बावरी जी की चीटिंग? ये बावरी जी मेरे वाले बावरी जी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या मतलब? मतलब आप ओरिजिनल बावरी जी नहीं हो, डुप्लीकेट हो, डुप्लीकेट। भाग्यश्वर जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ क्यों? क्यों लगता है? क्योंकि मेरे बावरी जी कभी किसी का नाम सही बोल ही नहीं सकते।
बेटा गलती से मिस्टेक करते ही है। ये तो हमसे ही गलती से मिस्टेक हो गई। सच सच बताओ कौन हो तुम? मैं बावरी नहीं हूँ, मैं अंजलि हूँ। धोखा, धोखा! आप सबने मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। चुप रहे वरना धोखा लेके मारूंगा मैं तुझे। ये जो कुछ किया तेरे भले के लिए किया, तेरी जान बचाने के लिए आइडिया किया है। ये सब बेचारे अपनी नींद छोड़ के तेरी चिंता में यहाँ खड़े और तू कह रहा धोखा किया? नहीं नहीं सेठ जी, आप सब ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तुझे अभी सही और गलत की समझ नहीं है। सही बात है, सॉरी, इसे मेरे घर ले चलो। आते भाई ये लो। ये काम का नहीं है। क्यों काम नहीं कर रहा है ये? नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा तो ये लीजिए। भाई ये भी काम का नहीं है, ये सब नहीं चाहिए। इसने बागा को गोली खिलानी है। ओके सॉरी सॉरी, जल्दी खिलाओ यार। मुझे जल्दी। अंडर रखो बागा, पूरा अंडर रखो। जल्दी मुझे मुझे नहीं खानी है गोली। ओए हाथी प्राप, वो इतनी बैटरी डिस्चार्ज करो ना जल्दी। मैं इस धोखेबाज दुनिया में रहना नहीं चाहता हूँ। सड़ी भाई सड़ी है मुझे सड़ी। शांत हो जा बागा, शांत हो जा, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांति रख, शांति रख बागा, एकदम चुप। गोली खा ले बागा, प्लीज ये गोली खा ले। तो गोली खा ही नहीं रहा है। अति भाई अब क्या करें? आप चिंता मत कीजिए, अभी बागा को मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, उससे वो काम डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, फिर गोली खा लेगा ना। हाँ आती ब्रा, रेडी रेडी। हाँ बस 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 बागा ब्रा। होल्ड ब्रेक का लगा के बस हो गया। बिठाओ। अच्छी भाई हाँ ला। बागा मुंह खोलो, ये रहा ये पानी पी लो। हाँ सुला दो। इसे थोड़ी देर आराम करने दो, ठीक हो जाएगा। लड्डू काका आप बागा के साथ रहिए। हाँ हम सब बाहर चलते हैं। हाँ चल लास्ट। हाँ दवाई दे दिए, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब असर होगा, कब वो ठीक होगा, कब वो बाहर आएगा और कब हम घर जाएंगे। बहुत टाइम लग गया गोली का असर आते ही। लो आ गए। हाँ हो गया नॉर्मल। हाँ हाँ भागा तू चिंता मत कर,
बावरी मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। नहीं नट्टू काका, अब बावरी जी नहीं आएंगे। आप सबने भी मुझे बावरी जी के नाम पे बेवकूफ बनाया। मैंने तय कर लिया है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुंबई छोड़ के चला जाऊंगा। तू मुंबई छोड़ के चला जाएगा? हाँ। तू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक छोड़ के चला जाएगा? हाँ। नहीं बाका, तू कहीं नहीं जाएगा। नहीं सेठ जी, मैं जाऊंगा। बाका। जेठालाल। बाका। बेटा, तक तू अगर चला जाएगा तो गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे चलेगी? है जेठालाल। अरे बागा, अपने लाइफ के इतने डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है और तुमको अपना दुकान का पड़ा है। आ जाओ ना भाई। यार अय्यर त्यांचं चाललं ना दोघांचं, लेट हिम हँडल ना। हां मते मते उडी नका मारू। अरे मैं इच कीधू भाई। अब एने समझायो के नहीं खबर न थे ना। तू एने नहीं समझाओ आणि एने समझाओ। आणे नहीं आने। अरे तू मने नहीं समझाओ भाई। देख बका, देख अगर बेटा तू चला जाएगा तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स ठप हो जाएगी बेटा, क्योंकि तू बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स की बैटरी है बेटा। मुझे बता, बिना बैटरी के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चलती है? नहीं ना, तो ये तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तेरे बगैर कैसे चलेगी? नहीं सेठ जी, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। इनफैक्ट मैं इस संसार में ही नहीं रहना चाहता। अरे ये? इस संसार से अलिप्त होकर रहना चाहता हूँ। बागा बागा, ऐसे निराश नहीं होते बेटा। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है ना तो तुम्हें जरूर मिलेगा, उदास मत हो। हाँ हाँ, मिल के रहेगा बेटा। सही बात है, करेक्ट है जी। नहीं, अब बावरी जी नहीं आएंगे, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। और आप सब भी प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करना। बागा कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे? मैंने कहा ना नट्टू काका, मैं गांव चला जाऊंगा। और वहां जाके क्या मजनू बन के घूमेगा? नहीं सेठ जी नहीं, मैं इतना बुजदिल नहीं हूँ कि लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं। गांव जाकर किसी मंदिर में रहूंगा, भगवान की और लोगों की सेवा करूंगा, और प्रसाद में जो मिलेगा वो खा लूंगा। नहीं नहीं बागा, नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। नहीं 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 नहीं, रुको रुक जा भाई तू। अरे मैं कहीं नहीं जा, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप? मेरी बात तो सुनिए। तो ले क्या सेठ जी, अभी उसको जाने दो। जाना तो काका, अभी कहाँ गांव जाएगा, अभी घर ही जाएगा। अभी क्या है, सब है ना, समझाने से भी नहीं समझेगा। घर जाके मैं समझाऊंगा। अभी वो जा रहा है तो उसे जाने दो, उसे रोकिए मत। बेटा छोड़ दे उसे। का? अभी कहाँ, घर पे जाएगा ना? गाँव कल जाएगा ना? बस जा निकल।
बस अब ये चक्कर काटना बंद कीजिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बावरी जी। भाई ये तो कमाल हो गया, जिस बावरी को हमने हर जगह ढूंढा, सैकड़ों फोन किए, जिस बावरी के लिए बागा ऊपर से कूदने को तैयार हो गया था, जिस बावरी के लिए वो अपना घर छोड़ने, गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक छोड़ने और फिर मुंबई छोड़ के गाँव जाने को तैयार हो गया, वो बावरी अचानक से गोकुलधाम में पहुंच चुकी। लेकिन सवाल यह है कि वो गोकुलधाम में क्यों आई और इससे पहले वो कहां थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बागा से आखिरी बार मिलने आई है, या फिर उनकी लव स्टोरी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला? क्योंकि बावरी ने मैसेज में साफ साफ लिखा था कि उसका और बागा का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया, तो फिर बावरी यहां क्या करने आई? कहीं वो बागा के टूटे दिल को चकनाचूर तो नहीं करने आई, या फिर उसके टूटे दिल को जोड़कर एक नए रिश्ते की शुरुआत करने आई है? दोस्तों एक खास बात और, आज मकर संक्रांति और लोहड़ी का त्यौहार, तो हमारे सभी दर्शकों को नीला फिल्म्स की पूरी टीम की ओर से और हमारे शो के सर्जक असित कुमार मोदी जी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों कल हमारे तमिल भाइयों का त्यौहार पोंगल आने वाला है, तो हमारे सारे तमिल भाइयों को पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। बागा और बावरी की लव स्टोरी में आगे कौन सा ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा सोमवार का एपिसोड। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।